शुड यूट्यूबर्स टॉक ऑन सोशल इश्यूज प्रोवाइडेड द करंट सिनेरियो. आजकल हर कोई स्किन केयर एक्सपर्ट बना हुआ है. कभी कभी कदुक्का बार आंखों से मेरे पानी क्यों आ रहा है. लुक एट दैट, दिस इज गोइंग टू बी फन. हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल. और आज का वीडियो इज गोइंग टू बी ओके. सो आई आस्क्ड यू गाइस कि मैं ऑनेस्ट यूट्यूबर टैग करना चाहती हूँ एंड ask me questions and you guys ask me some really difficult questions. So chalo फटाफट से शुरू करते हैं इस honest YouTuber tag के साथ. and मैं YouTube पे हाथ रख के कसम खाती हूँ मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी. I will try कि मैं diplomatic answers नहीं दूँ. and yeah, you guys asked names so you're going to get names. Let's get started. But आगे बढ़ने से पहले subscribe जरूर कर लेना. Also make sure to follow me on Instagram. My handle is nithi.167. चलो शुरू करते हैं. आज मैं mood में हूँ, है ना? Okay, चलो. I have literally 1, 2, 3, 4, 5. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages of question and these are consolidated questions. So I'm like कितने सवाल पूछ रहे हो. चलो स्टार्ट ऑफ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. मैं जिस ऑर्डर में मैंने सवाल लिखे ना, मैं उसी ऑर्डर में आंसर करने वाली हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ पर्सनल क्वेश्चंस एंड सम नॉट सो पर्सनल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस. तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाई डिड आई गेट मैरिड एट द एज ऑफ 19 एंड वॉज इट अ लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज एंड या एवरीथिंग अबाउट इट, लाइक कितने साल हो गए हैं, फलाना ढिमाका एक्सेट्रा. सो मेरी शादी को हो गए हैं 13 years. I got married in 2007 when I was 19 years old. I got married early because I just got married. Like there was no reasoning about it. And honestly speaking, कि मेरे को इसलिए कोई problem नहीं हुई अपनी शादी से कि मैं इतनी जल्दी शादी कर रही हूँ, because मेरी studies continue होने वाली थी, मैं hostel में रह के पढ़ने वाली थी. So उतना फ़र्क actually पड़ा ही नहीं मेरे शादी करने से या ना करने से. हाँ, मैं ये कहूँगी शादी करने से डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है इंसान की लाइफ से. सो दैट वॉज गुड. एंड वॉज इट अ लव मैरिज और अरेंज, सो इट वॉज बोथ. सो या आई होप दैट्स इनफ टी अबाउट दैट. फिर कभी बात करेंगे बाकी डिटेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आई नेम्ड कफ्स एंड लैशेज एंड हाउ आई नेम्ड 20 समथिंग. सो कफ्स एंड लैशेज जो नाम हमने रखा था वो सिर्फ मैंने नहीं रखा था. इट वॉज कॉल्ड ऑनलाइन मेकअप स्टोर इन 2016. तो मैंने ऐसी लाइव सेशन किया था एक यूट्यूब पे एंड इफ यू गाइज वर पार्ट ऑफ दैट लाइव सेशन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि बड़ा ही फन लाइव सेशन था. और उस लाइव सेशन में हमने कफ्स एंड लैशेज का नाम कफ्स एंड लैशेज रखा था. एंड वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड 20 समथिंग. सो 20 समथिंग हमने बस ऐसे ही रख दिया था. वी वॉन्टेड अ पेपी नेम जो कि यू नो 18 to 25 to 30 ईयर्स के लोगों को अपील करे. एंड वी थॉट 20 समथिंग जो एक काफ़ी फन सा पेपी सा नाम है. सो या वी नेम्ड इट 20 समथिंग. ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मी हु इज द मोस्ट ओवर रेटेड एंड हु इज द मोस्ट अंडर रेटेड यूट्यूबर. सो देर आर अ लॉट ऑफ अंडर रेटेड यूट्यूबर्स. आई वुड से सोहिनी चांदा इज वन ऑफ देम. हर कॉन्टेंट इज अमेजिंग. आई लव हर कॉन्टेंट, आई लव हर क्लैरिटी, बट आई थिंक शी इज क्वाइट अंडर रेटेड. एंड देन आई वुड ऑल्सो से हु एल्स, मैं खुद भी अंडर रेटेड हूँ कह सकती हूँ क्या. ओके, एंड ओवर रेटेड आई वुड से इज रिंकल सोनी एंड नो एंड आई मीन ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू ब्रिंग मी अ लॉट ऑफ बैकलैश अगर आपको वो यूट्यूबर पसंद होगा तो. बट येस, आई थिंक रिंकल इज स्लाइटली ओवर रेटेड. आई डोंट नो, मे बी. ओके, ऑलराइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांड दैट आई हेट. आई लाइक लिटरली आई गॉट दिस क्वेश्चन, द ब्रांड दैट आई हेट. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, आई डू नॉट हैव लाइक एनी फेवरेट और यू नो अ ब्रांड दैट आई रियली रियली हेट. हर ब्रांड की कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं. सो हेटरेड इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड. सो आई देर इज नो ऐसा कोई खास ब्रांड्स नहीं है कि जो मुझे बहुत ना पसंद हो या बहुत पसंद हो. एनी विच वेज, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको ना ऐसे फेवरेट ये फेवरेट वो होना चाहिए. लाइक आई एम अ वेरी चिल्ड आउट काइंड ऑफ अ पर्सन. मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड तक नहीं है, सो यू कैन रिलेट टू इट. आई हैव नो फेवरेट सॉन्ग, आई हैव नो फेवरेट फूड, आई हैव नो फेवरेट कलर. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो अ ब्रांड दैट आई हेट और अ ब्रांड दैट आई लव, आई
cannot name one because I think everything has their pros and cons. So yeah, I'm not being diplomatic. That's who I am. Okay. The next question is whether we should invest in makeup or skincare. There are no makeup or skincare without side effects. That is so true. That is so true. Honestly speaking, मेको ना skincare से ज़्यादा डर लगता है आजकल as compared to makeup because makeup is something जो आप हर रोज़ नहीं लगाते. Makeup is something जो आप full face makeup कभी-कभी करते हो. So chances of damaging your skin is very less as compared to skincare because skincare आप morning में भी लगा रहे हो, evening में भी लगा रहे हो and provided the current scenario, आजकल हर कोई skincare expert बना हुआ है. So unless it is a dermat who is suggesting you something, I am like ट्राई करके देख लो, अच्छा लगता है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं. तो इसीलिए आई अगेन दिस आंसर इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी यू नो पर्सनल स्पेसिफिक. मेरे हिसाब से अगर मैं यूट्यूबर ना होती तो आई थिंक मेरे पास फेस वॉश भी नहीं होता. या दैट्स हाउ आई एम. मेरे पास फेस वॉश भी नहीं होता और मेरे पास फाउंडेशन भी नहीं होता, मेरे पास लिपस्टिक भी नहीं होती अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो. या दैट्स द रियलिटी ऑफ मी एंड माई लाइफ. The next question is how do I met Saima? So, okay, I'm going to be very honest here. So, Saima jo hai, she was just in her growing phase. She had around 30,000 subscribers when I started watching her. Uske pehle I did not know who Saima was. And then I reached out to her. मैंने उनको DM किया कि I want to send you something अपने Cuffs and Lashes से. She said okay. Then I sent it to her. She was very happy. I was very happy because she drives sales for me. Then मैंने उनको फिर से भेजा. And then हमारी बातचीत शुरू हो गई. So it was more of a discovery like for me कि मैंने Saima को ढूंढा and we started working together and then हम मिले and we immediately connected and we became friends and now we are very good friends है ना. So अभी it is more it has gone beyond the business perspective. Now we are very 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 close friends or we share a lot of things, personal bhi, business wali bhi, professional bhi, sab kuch. So yeah, that's how we met and that's how our friendship blossomed. Okay, the next question is you guys actually named this, so main वैसे बोल रही हूँ. शाई स्टाइल, सुपर स्टाइल टिप्स एंड अदर एंड अ लॉट ऑफ अदर यूट्यूबर्स आर प्रोमोटिंग वाइटनिंग प्रोडक्ट्स. ग्लूटाथायोन की बात हो रही है यहाँ पे. व्हाट डू यू थिंक दैट इज राइट? What are my views? Okay. So guys, honestly speaking, I personally do not promote things कि अरे इससे आप गोरे हो जाओगे. Like I do not promote this kind of. I do promote products that do claim that. Like मुझे Mamaearth का Upton face wash बहुत पसंद है. But मैंने कभी ये message across नहीं भेजा है कि ये आप use करो तो आप इससे गोरे हो जाओगे. आप अगर उसको use करोगे तो आपको अच्छा feel होगा, आपका tan remove होगा. वो सारी बातें मैं convey करती हूँ. I loved using Garnier का light control yogurt night cream. वो भी lightening को promote करते हैं. But then I still like it because I'm not promoting the lightening part of it. I'm saying कि वो हटा दो, उसके अलावा अगर आप इस product को use करोगे तो ये काफी अच्छा product है. So that is how I am. I use everything, चाहे वो कोई ingredient हो, चाहे वो कोई lightening उसके ऊपर लिखा हो. I literally use everything as long as it works for me. But I do not promote कि इस product को use करके आप गोरे हो जाओगे. अच्छा, whether they were right or wrong, it is not on my part to say कि उन्होंने सही किया या गलत किया, because वो उनकी choice थी, उनकी call थी. It's their personal decision. I cannot interfere in that. ठीक है, understand this, सबकी personal space होती है. I cannot interfere. And whether I think कि आप उससे गोरे हो जाओगे कि नहीं, I don't think so कि आप उससे गोरे होगे. ठीक है, I think I was not diplomatic. The next question is when did I start YouTube? Why did I start? Inspiration कौन था? Did people support you? When did the channel got monetized? ठीक है, so मैंने YouTube start किया था in June 2015. Yes, that 9th June 2015 to be very accurate. Why did I start? I just watched a bunch of YouTubers and I thought, wow, this is such a nice business idea and I can do it totally. I can totally do it. So I just started. और उसके बाद ही मुझे realize हुआ कि नहीं, it's not that easy. बहुत कुछ जाता है, बहुत मेहनत लगती है. I almost gave up 2 महीने के बाद, but उसके बाद जो है मुझे एक सब्सक्राइबर जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, हर नेम इज फरजाना, हर चैनल्स नेम इज चेन्नईज यूएई फ्लेवर्स, चेन्नई फ्लेवर्स इन यूएई, आई थिंक दैट्स अ चैनल नेम. शी इज गोना किल मी.
Okay, I'll mention her channel name on the screen. तो उन्होंने मुझे मेल किया कि निधि यू आर अमेजिंग, आप बहुत अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, यू शुड कीप क्रिएटिंग एंड हेंस आई कीप ऑन क्रिएटिंग. और उसके बाद मैं आज तक कॉन्टेंट क्रिएट कर ही जा रही हूँ एवरी डे थिंकिंग शायद अब कुछ होगा, शायद अब ये वीडियो चल जाएगा, बट इट डिड नॉट हैपन. सो या आई एम स्टिल क्रिएटिंग. शी वॉज इंस्पिरेशन, बट येस आई गॉट इंस्पायर्ड बाय श्रेया जैन, श्रुति अर्जुन आनंद, आई ऑल्सो वॉच्ड माय हैप्पीनेस, ऑल दीज पीपल, लाइक आई वॉज इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ देम टू जस्ट स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, ऑनेस्टली बिकॉज आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड बाय द फैक्ट कि ब्रांड्स आपको फ्री में प्रोडक्ट्स भेजते हैं. येस, दैट वॉज माई फर्स्ट थॉट. Did people support you? So for a very long time मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मेरा YouTube का चैनल है, बिकॉज मेरे को बहुत शर्म आती थी बताने में. मुझे लगता था ये बहुत ही बेकार काम है, अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग, लाइक मेरे ऑफिस में या फिर यू नो मेरे आसपास के लोग. तो मैंने बहुत लाइक साल डेढ़ साल तक तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं सेट से यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रही हूँ. बट देन जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद आई वॉज वेरी वोकल अबाउट इट, मैं सबको बताती थी, फिर सब लोगों को समझ में भी आने लगा कि अच्छा ये क्या है क्या नहीं है. एंड इवेंचुअली Now everybody supporting. मेरे हस्बैंड ने मुझे इनिशियली सपोर्ट नहीं किया था, बट नाउ ही इज वेरी सपोर्टिव अबाउट इट, बट नाउ ही इज वेरी सपोर्टिव. सो या इवन मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस ब्रांड के साथ काम करते हो, किस किस हाई एंड ब्रांड के साथ में भी काम किया है? तो हाई एंड ब्रांड तो मेरे पास कोई नहीं आया आज तक सिवाय L'Oreal के. So I've worked with L'Oreal and I've worked with a couple of like I've worked with a lot of brands. अभी आपको तो मैं सारी sponsorships अपनी anyways declare करती हूँ, तो मेरे को ऐसे specific name लेने की ज़रूरत नहीं है. But yes, I've worked with Matrix, I've worked with L'Oreal, I've worked with Mamaearth के साथ, तो I have like a long-term collaboration. So yes, I do collaborate and जब भी मैं collaborate करती हूँ, sponsor करती हूँ, तो I mention it in my video. कोई video अगर sponsored है तो वो भी mention करती हूँ, कोई video अगर sponsored नहीं है तो वो भी mention करना पड़ता है, क्योंकि वरना आप लोग assume कर लेते हो automatically कि वो sponsored video है. So इसलिए अगर कई बार मैं भूल जाती हूँ तो मुझे comments में आ जाता है कि ये sponsored है ना, तो ऐसा नहीं है, हर video sponsored नहीं होता. Your views on Komal Pandey's clothing style. Okay. So honestly speaking, it's her choice again, है ना. मैं कोई होती नहीं हूँ अपना व्यू पॉइंट रखने वाला, इट्स जस्ट बट स्टिल आई वुड से कि इट इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट रिलेट टू, बिकॉज आई एम नॉट इन टू दैट काइंड ऑफ स्टाइल, इफ यू कैन से. सो आई एम समबडी हु इज लाइक कि मेरे को स्लीव्स भी चाहिए, मुझे सब ढका हुआ भी चाहिए. आई वॉन्ट समथिंग विच आई कैन एक्चुअली गो आउट विदाउट थिंकिंग कि मेरा कोई बॉडी पार्ट दिख रहा होगा और समबडी इज घूरिंग एट मी कि अरे ऐसे ऐसे करके लड़के मुझे घूर रहे हैं, वो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है. सो आई लाइक टू ड्रेस अप decently. It's not that she doesn't dress up decently, it's just that she has the confidence to carry it. I meko bilkul confidence nahi hai us type ke kapde mein pull off bhi kar pau, plus main moti bhi hu. So yeah, aapko apne size apne you know comfort ke hisab se kapde choose karne chahiye. So I am somebody who cannot relate to her style, but I know there are a lot of people who do relate, but I am not one of them. Ko zukam ho gaya bahut tez wala, isiliye aankhon se bhi pani aa raha hai, isiliye naak se bhi pani aa raha hai. TMI. Okay, is your health okay? Why you gained so much weight? I am not okay, honestly speaking. जब से मुझे खांसी हुई थी उसके बाद से अभी तक मेरी खांसी अभी भी बरकरार है, आती जाती रहती है बीच बीच में. So I'm not fine. Weight gain इसलिए हुआ है क्योंकि भाई lockdown हो गया. I am somebody जो बहुत भागा दौड़ी करती हूँ, like बहुत भागा हुआ दौड़ी करती थी मैं, और एकदम से वो मेरा सारा कुछ कट डाउन हो गया है. So अभी मैं घर में बैठी रहती हूँ, घर में थोड़ा बहुत चल फिर लिया, बस इतना ही था, इसीलिए वेट गेन हुआ मेरा. अदरवाइज ठीक हो जाएगा यार, वेट गेन लूज होता रहता है. सो आई एम ओके विद इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट शुड वी आस्क फॉर कोलैबोरेशन इफ वी हैव 1 or 2K subscribers. So honestly speaking, if you have 1 or 2K subscribers, brands would not pay you. They will try to do barter, and that's how they do. I would say at least 10-12,000 subscribers or so, you would be in a state of asking them money. अगर आपके 10-12,000 है तो आप आराम से 2,000-3,000 रुपये मांग सकते हो. अगर आपके 50-60,000 subscribers है तो आप आराम से 7-8,000 से 10,000 तक भी मांग सकते हो, depending on आपके channel को views कितने मिल रहे हैं. So work on the views. Views are very very important. अगर आपके views नहीं आ रहे, आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे. आपके अगर सब्सक्राइबर्स कम हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो भी आपको ब्रांड ज़्यादा पैसे नहीं देगा. सो द पॉइंट इज़ कि आपके व्यूज़ और आपके सब्सक्राइबर्स ना एक लेवल में होने चाहिए एंड द ब्रांड्स विल पे यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा अर्थ वाओ रियलिटी एंड व्हाई आई प्रमोट मैट्रिक्स. ओके,
फर्स्ट मैट्रिक्स वाला आंसर दे दो. मैट्रिक्स मैंने तब यूज़ किया था, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, मैंने 2012 में रिबॉन्डिंग कराई थी एंड मुझे मैट्रिक्स मेरे सैलो वाले भैया ने रिकमेंड किया था. आई यूज्ड इट, मेरी देवरानी ने भी यूज़ किया था बिकॉज हम दोनों ने साथ में कराई थी एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. बट जस्ट इस बार जब मैंने रिबॉन्डिंग कराई, लाइक स्मूथनिंग कराई, तो मैंने एवी कि मैट्रिक्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो मैं लॉरियल यूज़ करती हूँ, तो मैंने लॉरियल यूज़ किया. ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स मुझे पसंद नहीं था इसलिए मैंने मैट्रिक्स यूज़ नहीं किया, अदरवाइज मैं अभी शायद मैट्रिक्स ही यूज़ कर रही होती. मैंने लॉरियल अभी मजे में ले लिया था एंड आई लाइक इट, सो आई स्टार्टेड यूजिंग इट. नाउ व्हेन द ब्रांड अप्रोच्ड मी कि वी वांट टू डू अ वीडियो विद यू, आई वाज मोर देन हैप्पी बिकॉज आई नो कि वो ब्रांड बहुत अच्छा है. मैं उस ब्रांड को यूज़ कर चुकी हूँ, आई नो हाउ इट इज़ एंड हाउ इट विल वर्क फॉर मी. अब मुझे मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती, तो उसका मतलब थोड़ी मुल्तानी मिट्टी खराब है. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार, आप यूज़ करो बहुत अच्छा, बट मुझे सूट नहीं करती ना. तो मुझे जो सूट करता है, वेदर केमिकल वेदर नेचुरल, आई यूज़ इट. आई डोंट केयर उसके अंदर क्या जा रहा है बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा अननेसेसरी ज्ञान यूट्यूब पे गूगल पे अवेलेबल है ना, कि डॉक्टर्स तक तब परेशान हो गए. मतलब डॉक्टर के पास जाओ, अरे आपने गूगल तो नहीं किया था ना, वे लाइक हाँ नहीं किया तो था, वो लिटरली हाथ जोड़ लेते हैं, भैया गूगल मत किया करो. गूगल आपको वही दिखाएगा जो आपके माइंड में आप जो देखना चाहते हो. सो अगर आप नेगेटिव देखना चाहते हो आप नेगेटिव देखोगे, अगर आप पॉजिटिव देखना चाहते हो आप पॉजिटिव देखोगे. सेम गोज विद पैराबेंस. मैंने एक वीडियो बनाया था पैराबेंस पे कई साल पहले. I was like, I don't care if a product has parabens, but that doesn't mean that if I don't care, a lot of people don't care. No, if I don't care, it doesn't mean कि आप भी केयर नहीं करते हो. इसीलिए जब भी कोई प्रोडक्ट मैं डिस्कस करती हूँ, यूजली मैं इंग्रेडिएंट्स रीड आउट कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है. जस्ट इन केस अगर मैं इंग्रेडिएंट्स रीड नहीं कर रही हूँ तो आप वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो खुद से कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे, पैराबेंस है कि नहीं है, फलाना है कि नहीं है, धमाका है कि नहीं है. जो भी प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि आपके लिए हार्मफुल है वो है या नहीं, वो आप सीधे वेबसाइट पर जाओ, उस प्रोडक्ट के आप देख लो, रीड कर लो. सो इट्स दैट ईजी. बट स्टिल आई ऑलवेज ट्राई टू कन्वे कि प्रोडक्ट मेड इन चाइना है कि नहीं है, पैराबेंस है कि नहीं है, बिकॉज वाई हाइड इट इफ आई लाइक आई कैन यूज इट, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट यूज इट. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मामा अर्थ एंड वाओ की रियलिटी क्या है. सो गाइज देखो, बिफोर आई गेट ऑन टू दिस क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू से कि यार देखो, हर ब्रांड चाहे कोई सा भी ब्रांड हो, वो महंगे से महंगा ब्रांड ही क्यों ना आप उठा लो, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे निकलेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स खराब निकलेंगे. ठीक है, वाओ के साथ तो मैं ज़्यादा एसोसिएट करती नहीं हूँ. आई एसोसिएट विद मामाअर्थ. मामाअर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं लाइक रिव्यू भी करती हूँ एंड कोलैबोरेशन करती हूँ. यू गाइज नो इट क्योंकि मैंने कभी छुपाया नहीं आप लोगों से. नाउ व्हेन आई डू लाइक व्हेन आई कोलैबोरेट विद मामा अर्थ, आई मेक इट अ पॉइंट कि पहले मैं उसको ट्राई करके देखूँ प्रोडक्ट को. अगर वो प्रोडक्ट मेरे लिए काम करता है ओनली देन आई लाइक आई यूज इट इन माई वीडियोज या मैं डेडिकेटेड रिव्यू करती हूँ. अब मैं कब उसको ब्लॉग में दिखाती हूँ, कब मैं डेडिकेटेड रिव्यू करती हूँ, उसका भी एक पॉइंट है. If a particular product wowed me, like जैसे उनका अनियन है मास्क है या भृंगा आमला है मास्क है या फिर मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश है, टी ट्री फेस वॉश है, दीज आर 3-4 प्रोडक्ट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाओ मामाअर्थ के. एंड अगर आप उससे जनरली भी पूछने आओगे ना कि हेयर मास्क बताओ, हेयर फॉल हो रहा है, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि अनियन हेयर मास्क यूज़ करो मामाअर्थ का, बिकॉज इट रियली वर्कड फॉर मी. मेरे लिए उसने काम किया. I have heard like onion wali range ka, toh yeah, onion hair mask ka, I've heard good reviews from you guys also. So I know that product works for most of you. But there are products jo ki normal hai, theek hai, which are sometimes not even required. Theek? I can say that way. So या फिर जिन products को I just want to convey कि अच्छा ये new launch हुआ है, you can see this is a new launch. So मैं वो vlog में integrate करती हूँ. That's how I work. So अगर मैं dedicated review दे रही हूँ किसी product का, that means from Mamaearth specifically, that means I actually liked it a lot कि वो dedicated review deserve करता है, इसलिए मैं उसका dedicated review कर रही हूँ. And if it is in a vlog, it's usually just FYI कि ये नया product आया है, देख लो जाकर के इसको. That's how I work and I know about others, but I know one thing about Mamaearth कि अगर कोई product मुझे या like जो मेरे friends हैं उन लोगों को अगर पसंद नहीं आया, we can talk to the brand directly कि भाई ये this is something, this did not work out for me या फिर this will not go with me. जैसे for example Bye Bye Blemish Cream, brand ने मुझे दो बार approach किया था कि Bye Bye Blemish Cream का review कर दो, video में दिखा दो. I said no clearly because मेरे blemishes होने चाहिए ना Bye Bye करने के लिए. So जब blemishes ही नहीं है तो मैं Bye Bye किसको करूंगी. तो इट वुड बी अ फॉल्स यू नो नैरेटिव इफ आई कैन से. सो आई नेवर प्रमोटेड दैट प्रोडक्ट.
सिमिलरली नीम फेस मास्क डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी. सो आई सेड कि भाई नहीं, ये मेरे को थोड़ा सा जल रहा है मेरे फेस पे, अब मैं इसका रिव्यू नहीं करूंगी. एंड इन फैक्ट आई टोल्ड यू गाइज ऑल्सो इन द रिग्रेट्स वीडियो. सो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एकदम मतलब तोते की तरह गाते ही रहते हैं. नो, वी हैव अ लॉट ऑफ से. And if a product works for me, I give it a dedicated review. And if I just want to show you guys कि हाँ ये नया product है, I put it in a vlog. That's how I work. And I'm always open about my sponsorship with Mamaearth. मैं कभी नहीं छुपाया आप लोगों के साथ ये चीज़. So yeah, I hope you guys got my point. Okay, the next question is fun, and the question is, did you ever think that you got married early and you should have got married thode din ke baad ya thode saal ke baad? Kabhi kabhi kadukka baar aaya hai ki are thoda sa aur wait karke shaadi kar lete, but mostly I am very happy ki meri shaadi time se ho gayi. Time se matlab jaldi ho gayi, because shaadi ke baad maine padhai complete kari, maine campus placement hua, maine job kari 6 saal, job chhodi, bachcha hua mera, then I started my business, I started YouTube, like I did everything that a single girl would have done. Or maybe main shayad single hoti to shayad itna sab kuch nahi karti, kyunki mere paas distraction bahut sare hote. I hope you understand that. Okay, so most of the part I am very happy ki meri shaadi jaldi ho gayi, because I actually can do everything that I can dream of. And that also goes like uska credit bahut kuch mere family ko bhi jata hai, kyunki family is very supportive. So yeah, ऐसा नहीं है कि हर 16 साल में या 18 साल में शादी होने वाली लड़की के सपने पूरे होते हैं. फॉर मोस्ट इट डजंट हैपन. आई एम वेरी लकी कि आई कैन थिंक मेक थिंग्स हैपन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे काम में, यानी आई मीन रनिंग माई चैनल और माई ऑफिस, बिकॉज यू गाइज नेवर सी मी टॉक अबाउट इट. सो उनका इतना सपोर्ट काफ़ी है कि वो बस शांति से मेरा काम चलने दे. सो दैट्स द ओनली सपोर्ट दैट आई वॉन्ट फ्रॉम हिम. आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ गर्ल, ठीक है. सो मेरे को घर के जो बाहर के काम होते हैं ना, सब्जी लाना, राशन लाना, ये सारे काम करना खुद से ही पसंद है. सो मेरे हस्बैंड कभी नहीं करते वो काम. और चैनल की जहाँ तक बात होगी, ही हैज़ हिज ओन जॉब. 12:30 से 9:30 की उनकी शिफ्ट होती है. मैं उनको और क्या अपना भी काम समझाऊँ कि ये देखो ये भी क्या कर रही हूँ, इसका समझाओ, ऐसे करो वैसे करो. I just want to give him space. I want him to give me space. And yeah, and I'm happy. Like he's supporting me in the way ki just keep on doing what you are doing. And that's enough. I don't want his interference in my work. Dekh lega na pitai lagayenge meri. Okay. यू गाइज वॉन्टेड ऑल्सो. अच्छा, बहुत सारे लोग जो है कप्स एंड लैशेज के रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, यू नो पॉलिसी के बारे में जानना चाहते थे. सो वी डू नॉट हैव अ रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी. एक्सचेंज तो स्ट्रिक्टली नो, मतलब आपने ले लिया, आपको पसंद नहीं आया इसलिए आपको वापस करना है. वी कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड टू डू दैट, बिकॉज हम एक बूटस्ट्रैप बिजनेस है. एंड बाई बूटस्ट्रैप आई मीन कि हमारा बिजनेस ना बाहर से फंडेड नहीं है, हम अपना खुद का पैसा लगाते हैं. एंड वी आर नॉट नायका और पर्पल कि हमारे पास पैसा खर्च करने को हो. सो अगर आप रिटर्न करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो कई बार जो आने जाने की कॉस्ट होती है ना, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट से भी कई ज्यादा गुना ऊपर हो जाती है. एंड दैट इज वाई वी स्ट्रिक्टली deny कि हम return या exchange नहीं करेंगे. अब तो नायका भी नहीं करता यार return और exchange, तो हम तो फिर बहुत ही छोटी सी fish है इतने बड़े pond में. So yeah, there is no return or exchange policy on नायका. No, there is no return or exchange policy on Cups and Lashes. Okay, I regret being a beauty blogger, and it would have been amazing if I would have started as a tech blogger. I say this all the time because beauty is something that doesn't come to me naturally. I actually learnt it over the period of time, और अभी भी I'm still learning. So इसीलिए ना this was something जो मैं ना ऐसे देख करके खुश हो गई, और इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया. उस टाइम इतना दिमाग लगाया होता और मैंने टेक्निकल चैनल स्टार्ट किया होता, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट I think I'm blessed with. Like मुझे technically चीज़ें समझ में आती है. I'm a software engineer by background, तो I can understand things happen. But beauty is something which I had to learn. तो इसीलिए I always say this कि अगर मैं tech channel start करती, I would have done so much better. Like so much better. Next question, how do I make makeup? Okay, so I don't make makeup. There are a lot of manufacturers in India.
एंड सो यू हैव टू रीच आउट टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड टेल देम आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. द प्रॉब्लम हियर इज ओनली, द प्रॉब्लम जो यहाँ पर आपको आएगी वो ये है कि द इनिशियल अमाउंट दैट यू वॉन्ट हैव टू इन्वेस्ट इज ह्यूज. सो ऐसा नहीं कि यू कैन जस्ट गेट 10,000, ऐसा नहीं है कि यू कैन जस्ट मेक लाइक 100 पीसेज एंड देन सेल इट एंड देन मेक द नेक्स्ट 100. नो, यू हैव टू बल्क मेक इट. सो यू मेक एटलीस्ट 10,000 और 15,000 पीसेज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और फिर आप उसके बाद आपको बेचना भी है वो. सो इट्स डिफिकल्ट क्योंकि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. एक लिपस्टिक बनवाने में भी आपको आराम से 6-7 लाख का खर्चा हो जाता है. सो येस, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड देन रीच आउट टू देम. आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, वो अपनी क्वान्टिटी बताएंगे कि एम क्यू क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी, एंड देन इफ थिंग्स वर्क आउट, गो हैड एंड इन्वेस्ट. ब्रांड पे मीन्स 6 figures. ओ माई गॉड, आई विश दैट कुड हैपन, आई विश. ओके, सो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाई श्वेता विजय एंड सलोनी श्रीवास्तव. सो श्वेता सेड दैट एस्टैब्लिश यूट्यूबर मेक अप टू यू नो एक एक प्रोजेक्ट से 5-10 lakhs. शी माइट बी टॉकिंग अबाउट कोमल पांडे एंड डॉली सिंह एंड यू नो कुशा कपिला, वो लोग बनाते हैं. हम जैसे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो बहुत कम पैसे बनाते हैं, हमको ब्रांड्स पैसे नहीं देता है. सो इट्स डिफिकल्ट फॉर यूट्यूबर्स लाइक अस जिनके नंबर्स भी छोटे हैं और व्यूज भी छोटे हैं. एंड यस, 6 figures सिर्फ एक सपना है. 6 figure में साल भर में कमा लूँ ना, बड़ी बात हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट. एज आई एम एन इंजीनियर, व्हाई डिड आई चूज यूट्यूब? ओके, सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव माई ओन स्टार्टअप. जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी थी, आई स्टार्टेड ऑफ मेकिंग अ ब्लॉग जहाँ पर हम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पोस्ट करना स्टार्ट किया था, बट ऑब्वियसली विद ऑफिस वर्क ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई. देन वी ऑल्सो स्टार्टेड लाइक आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बट कोई भी चीज़ फिजिकलाइज नहीं हो पाई. जब मेरे को यूट्यूब मिला, आई थॉट वाओ दिस इज सो क्रिएटिव एंड सो फन. सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट फॉर फन एंड फॉर PRs. यस, आई डिड इट फॉर PRs. बट लाइक धीमे धीमे जब आप करते जाते हो आपको पैशन और होता जाता है. लाइक यू जस्ट गेट इन टू इट. ऐसा नहीं है कि मेरी जॉब मुझे पसंद नहीं थी, आई लव्ड माई जॉब, बट अगर मेरे पास 24 की जगह 48 घंटे होते एक दिन में, तो आई थिंक मैं दोनों में बैलेंस बना पाती. सो या, आई जस्ट चोज इट फॉर फन एंड फॉर क्रिएटिविटी ऑनेस्टली. नेक्स्ट, हैव आई एवर paid anyone to give positive reviews on Cuffs and Lashes?